हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपने तमिलनाडु के महाबलीपुरम शहर में मौजूद उस अति प्राचीन पत्थर के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो एक ही ढाल में करीब 1200 साल से आश्चर्यजनक रूप से टिका हुआ है। और ये चट्टान बड़े से बड़े आंधी तूफान में भी ना तो कभी हिला और ना ही कभी लुढ़का। ठीक उसी तरह का एक पत्थर और है जो म्यांमार में स्थित है, जो करीब 25 फीट ऊंचा है। इस पत्थर की खासियत ये है कि ये सदियों से चमत्कारी रूप से एक दूसरे पत्थर के ढाल पर अटका हुआ है और इसे भी आज तक बड़ा से बड़ा आंधी तूफान हिला नहीं सका। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस पत्थर का रहस्य क्या है। करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये भारी भरकम पत्थर किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये म्यांमार के बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। सोने की तरह दिखने वाले इस पत्थर का नाम गोल्डन रॉक है। इसे क्वेक्टियो पगोडा भी कहा जाता है। गोल्डन रॉक के नाम से इसे इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि ये पत्थर सोने की तरह दिखाई देता है। दरअसल लोगों ने इस पर सोने की पत्तियां चिपकाकर इसे सोने जैसा बना दिया है। माना जाता है कि इस पत्थर के पास जो भी साल में 3 बार जाता है उसकी सारी गरीबी और दुख दूर हो जाते हैं। यह भी मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो सभी पूरी होती है। यही कारण है कि इस पत्थर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये भारी भरकम पत्थर भगवान बुद्ध के बालों पर टिका हुआ है। इसी कारण ये पत्थर ना तो कभी हिलता है और ना ही अपने स्थान से कहीं हटता है। ये पत्थर सदियों से इसी तरीके से टिका हुआ है, पर मान्यता यह है कि कोई महिला ही इस पत्थर को हिला सकती है। इसीलिए किसी महिला को इस सुनहरे पत्थर को छूने की अनुमति नहीं है। महिलाएं सिर्फ इस पत्थर को दूर से ही देख सकती हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस पत्थर के पास कोई महिला न आए, तीर्थस्थल के अंदर आने वाले गेट पर हर वक्त सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं और अपनी नज़र बनाए रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।